कल मैंने नथिंग का शॉर्ट बनाया था एंड उसमें से कुछ लोगों को मेरी बातें आधी से ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे। भाई देखो यार, पहली बार शॉर्ट्स बना रहा हूँ, एक मिनट में कितने सारे पॉइंट्स कवर करने कैसे करूँ मुझे कुछ पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है मैं हड़बड़ी में शायद अच्छे से नहीं बना पाया। लेकिन आज अपने पास काफी टाइम है, ठीक है, तो आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, नथिंग फोन के बारे में बात करते हैं। एंड क्या ये फोन आपको लेना वर्थ रहेगा? देखो इसको मैंने परचेस किया है सेकंड हैंड में 23,000। अब लोग कैसे इतना सस्ते में मिल गया, तो सिंपल बात है, अभी फ्लिपकार्ट पे आप विद SBI क्रेडिट कार्ड आपको ये डिवाइस तकरीबन 26,500 के आसपास आपको मिल जाएगा। सो यार ऑब्वियसली अगर नया फोन आपको 26,500 का मिल रहा है तो फिर सेकंड हैंड में तो उसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों बात 26,000 की कर लेते कि आज के डेट में क्या फ्लिपकार्ट से 26,000 में भी ये फोन लेना वर्थ रहेगा। हेलो दोस्तों, मेरा मैं राहुल, आप सभी का स्वागत है मास्टर मेडिक चैनल पे। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो दोस्तों, इस फोन पे मैंने दो बहुत बड़े इंप्रूवमेंट नोटिस किए हैं, तो पहले स्ट्रेट अवे मैं आपको उसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहला इंप्रूवमेंट इस डिवाइस का वो है कि इसका कैमरा सेक्टर, ये एक इनक्रेडिबल हो चुका है। अभी देखो मैं यहाँ पर आपको कैमरा स्पेक्स हैं वो सब मैं बताने नहीं वाला, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब ऑनलाइन देख लीजिए। मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किस तरह से आउटपुट मिल रहा है मैं उसके बारे में बात कर ले रहा हूँ। एक चीज बोल दूं कि इस सेगमेंट पे लाइक 26-27 के सेगमेंट में आपको टॉप नॉच कैमरा फिलहाल नथिंग फोन में मिल जा रहा है, ठीक है। एंड ये एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पर इवन फ्रंट कैमरा पे भी जो आपको आउटपुट मिलता है बहुत ही अच्छा है, नाइट सैंपल्स आपको बहुत हद तक इंप्रेस कर देंगे एंड डायनामिक ये सब बहुत ही ज्यादा मस्त आ जाता है इस पे। दूसरा सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट दोस्तों इस डिवाइस में ये है कि इसका बैटरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो चुका है। शुरुआती टाइम पे लोगों के इतने कंप्लेन थी कि भाई इस फोन को मैं बैटरी तो रुकता ही नहीं है, फटाफट रिन हो जाता, स्पेशली ये LED लाइट मतलब पीछे का जो लाइट है इसको यूज करने पे तो मतलब फटाफट जाता है। लेकिन उस चीज को पता नहीं फिर कंपनी ने किस तरह से ऑप्टिमाइज किया, जैसे भी क्या, लेकिन आज के डेट में इसका बैटरी लाइफ बहुत मस्त हो चुका है। दोस्तों ये दो चीज को मैं साइड कर दूं तो इस डिवाइस में काफी सारे चीजों का प्रॉब्लम आज के डेट में भी आपको देखने को मिल जाता है। देखो सबसे पहले लोगों को नथिंग को इसलिए लिया था बिकॉज इस पे आपको ये ट्यूबलाइट वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है। मैं ट्यूबलाइट ही बोलता, मुझे मजा आता बोलने में। पर दोस्तों आप एक चीज नोटिस करना, आज के डेट में इसके ट्यूबलाइट है ना धीरे धीरे पीले पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। और ये डिवाइस को अभी लॉन्च हुए कितना ही दिन हो चुका है, अभी से इसकी हालत ऐसी होने लग गई है। इस डिवाइस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 120Hz का एक OLED पैनल तो है, ठीक है, सो स्क्रोलिंग एंड ऑल काफी स्मूथनेस तो आपको दिखेगी, लेकिन स्टेबिलिटी इस डिवाइस में बिल्कुल भी नहीं है आज के डेट में। मतलब कि दोस्तों अगर आप थोड़े बहुत भी ऐप एक साथ बैकग्राउंड पे रन करवा देते हो, ठीक है, तो इसके बाद फोन में आपको अचानक से ना लैग देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा भी लोड करते हो, जैसे कि मैं इसमें थंबनेल बनाता हूं ना, तो भाई फोन सडनली लैग करने लग जाता है। दोस्तों इसका जो UI है ना काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है OxygenOS से लेके, ठीक है, बिकॉज इसमें आपको काफी सारी चीजें ना सिमिलर दिख जाएंगी, जैसे नोटिफिकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक बात है। अब दोस्तों यहाँ पर है ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है अभी भी इतना बगी है कि सडनली ना अगर आप नॉर्मल कंडीशन पे जहाँ पर अगर आपने ऑटो ब्राइटनेस ऑन रखा है तो अचानक से इसका ब्राइटनेस जो है ना डिम हो जाता है कम्प्लीटली, मतलब कम्प्लीटली नहीं पर 10-20% बच जाता है, इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है ना स्क्रीन के आपको ना मतलब दिखेगा ही नहीं, वापस आपको स्क्रोल करके ना ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑटो ब्राइटनेस इसके प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं डिस्प्ले की स्ट्रेट अवे बात करूँ तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बोल दूँ कि इसमें आपको एक OLED पैनल मिल जाता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। अब ये कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी स्मार्टफोन पे। लेकिन दोस्तों इसमें इस नथिंग में जो OLED पैनल यूज किया गया है ये पुराना OLED है, ठीक है, उसको पता कैसे चलेगा, आप जब भी इसके ब्राइटनेस को लो करके या फिर रात में अगर इसको आप यूज करोगे ना तो ब्राइटनेस लो करके आपको ना एक पिंक शेड दिखेगा, वो साफ साफ इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है नथिंग ने प्राइस कटिंग किया है विथ यूजिंग अ ओल्ड OLED पैनल। मेरे पास एक फोन है 16,000 का, रेडमी का फोन है, उसमें जो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं ना कमाल के, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाउड है। वहीं पर दोस्तों ये फोन जो 26-33,000 का आता है, इस फोन में आपको जो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं ना, इसका जो लाउडनेस है मैं आपको सिंपल बता दूं, थोड़ी देर में आप गेम प्ले भी देखोगे BGMI का, तो जब मैं ये खेलता हूँ ना BGMI की, तो बेसिकली मैं ना उसका वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए मैं कोई हेडफोन कनेक्ट नहीं करता, इसी के स्पीकर से जो वॉइस आता है वो मेरे माइक कैप्चर करता है। सो इसका साउंड इतना लो आ रहा था ना कि मेरे को भी ना प्रॉपरली ना समझ नहीं आ रहा था कि बंदे आ कहाँ से रहे। एंड फॉर अभी मैं पास्ट डेज में जितने भी फोन की टेस्टिंग कर रहा हूँ सबसे लोएस्ट वॉल्यूम मैंने नथिंग फोन में देखा है। एंड दोस्तों वहीं पर छोटे मोटे ग्लिच भी आ जाते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पे कोई रील्स देखता हूँ तो उस पर इसका जो डुअल स्टीरियो स्पीकर से साउंड जो है बहुत ही बढ़िया आते हैं, लेकिन जैसे उसको मैं पोस्ट करने जाता हूँ स्टोरी पे तो अचानक से साउंड उसका कम सुनाई देता है। तो ये जैसे मैंने बताया कि इस फोन में काफी सारे बग्स एंड प्रॉब्लम है। एंड वहीं पर दोस्तों अगर आप म्यूजिक भी सुनोगे ना तो आई रिकमेंड यू कि आप हेडफोन पे सुनना, बिकॉज अगेन ये लाउड नहीं है, क्वालिटी इसकी डिसेंट है। पर दोस्तों इसका जो रिंगटोन है स्पेशली इसके लाइटनिंग के साथ ये बड़ा मजेदार है, इसमें लगा हुआ है 778G+। इसके बारे में क्या कहना है, क्या प्लस से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है? देखो मैं 778G वाले फोन्स ना IVU के डिवाइस में भी यूज किया हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक छोटा सा गेम प्ले देख लो एंड फर्दर मैं आपसे बात।
पूरा गंदा लग रहा उधर, कितना लग रहा क्या हुआ अभी भाई, मैं तो मार नहीं पाया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने गेम प्ले देखा, मतलब पता है क्या होता है कि जब कंपनी नए फ़ोन लॉन्च करती है फिर उसमें अगर ये बीजीएमआई में थोड़ा सा एफपीएस ड्रॉप होता है तो सबको लगता है कि अरे कोई नहीं नया डिवाइस है तो ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, टाइम के साथ फिक्स हो जाएगा, है ना। इस फ़ोन को लिख ले कितना टाइम हो चुका है, काफ़ी सारे अपडेट भी आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप तो शायद एफपीएस मीटर में देख के आपको शायद लग रहा होगा 24-25 भाई व्हाट अ बिग डील। भाई लिटरली आप अगर मेरे फ़ोन पे जब मैं इसमें गेम प्ले कर रहा था ना, मेरे आरओजी के कैमरा से मैं इसका रिकॉर्ड कर रहा था स्क्रीन, आप देखो ध्यान से लिटरली लैग हो रहा है, और वो लैग इतना है कि मैं एम भी नहीं लगा पा रहा हूँ प्रॉपरली सामने वाले को, मैं एम तक नहीं लगा पा रहा हूँ। मैंने 778G प्लस का मतलब अब तक का वर्स्ट टू वर्स्ट परफॉर्मेंस किसी फोन में देखा है, तो वो नथिंग एयर में शोर आने वाले एक साल में इसको कोई बीट नहीं कर सकता वर्स्ट परफॉर्मेंस में। आर यू कॉमेडी मी? सो दोस्तों क्या आपको ये लेना वर्थ रहेगा? देखो अगर आपका प्रेफरेंस एक कैमरा है ठीक है एंड थोड़ा बहुत शो ऑफ भी है तो ये डिवाइस अच्छा है, बट इस दो चीज को छोड़ के, कैमरा स्पेशली छोड़ के और इसका जो लुक्स है इसको छोड़ के अगर आप इस फोन पे जा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपका पैसा बर्बाद होने वाला है, बिकॉज इस फोन में आपको ना ही ढंग की स्टेबिलिटी मिलती है ना ही गेमिंग परफॉर्मेंस का अच्छा है, एंड ओवरऑल अगर आप छोटी मोटी एडिटिंग या थंबनेल जैसे काम करते हो तो उस पे भी ये डिवाइस लैग करता है। अब देखो नथिंग फैंस, देखो यार आप लोग बुरा नहीं मानना, जब तक किसी कंपनी को हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज ना करें तो वो इम्प्रूव कैसे करेगा, राइट। अब ये मेरा मामा या चाचा तो है नहीं ठीक है, ये एक ब्रांड है तो ब्रांड को हमेशा उनकी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पर ये नहीं समझता कि मैं 2-3 बग्स को गिना के मैं इस फोन को बुरा बोल रहा हूँ, इसमें काफी सारे बग्स हैं लेकिन मैं थोड़े बहुत चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट कंपनी है एंड मैं वीडियो का लेंथ भी बड़ा करना नहीं चाहता एक एक छोटी छोटी चीज़ों को कवर अप करके, समझ रहे हो, एज सिंपल एज दैट। सो या मिलते अगले वीडियो में, टेक के ध्यान रखिएगा, बाय।